सच सच बताइए, क्या आप अभी तक टायरेक्स और मेगा लॉडॉन से थके नहीं क्या? फिल्मों के निर्देशकों में होड़ लगी हुई है इन पर फिल्में बनाने की, और खिलौने बनाने वाली कंपनियां खुशी से ऐसे मॉन्स्टर्स के खिलौने बनाती रहती हैं, और वे यूट्यूब पर विलुप्त जानवरों के बारे में दिखाए जाने वाले हर दूसरे वीडियो में दिखाई देते हैं। लेकिन शायद पैलियोन्टोलॉजिस्ट ये सब देखकर दुखी होते हैं, क्योंकि वे उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक विलुप्त जानवरों के बारे में बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलो हम उन्हें और निराश नहीं करते और सबसे अजीब विलुप्त जानवरों के बारे में जानते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि आपने अभी ऐसे अजीब जीवों के बारे में नहीं सुना होगा, और उनकी उपस्थिति आपको बहुत हैरान कर देगी। तो ये है हमारा चैनल, और अब हम शुरू कर रहे हैं। ओबाबिनिया मिली हमारी लिस्ट में सबसे पहले जानवर से कैम्ब्रियन समुद्र के निवासी ओबाबिनिया। ये जीव इतना विचित्र लगता है कि इसके बारे में दिखाई गई सबसे पहली प्रस्तुतियों में दर्शक बस हंसते रहे। ओबाबिनिया की 5 छोटी आंखें थी जो उसके सिर पर छोटे डंठलों के ऊपर बैठी होती थी, और उसके पास एक सूंड भी होती थी जो एक वैक्यूम क्लीनर नली की तरह दिखती थी, जो किसी पंजे की तरह समाप्त होती थी, जिसकी मदद से ओबाबिनिया समुद्र तल पर भोजन की तलाश करते थे और उसे अपने मुंह में डाला करते थे, जो कि सूंड की शुरुआत में हुआ करता था। ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि वो असल में आगे बढ़ने में कामयाब कैसे होती थी, क्योंकि ओबाबिनिया के ना तो पैर और ना ही पंख हुआ करते थे, केवल साइड्स पर छोटे छटवे सांपू जैसे पैर और एक तरह की पूंछ। हो सकता है ये समुद्र तल पर रेंगता हो या धीरे धीरे तैरता हो अपने पैरों को फड़फड़ाते हुए लहर सी बनाकर। हालांकि कुछ विद्वानों को इस बात पर शक है कि उसका शरीर ऐसा करने के लिए पर्याप्त लचीला था भी या नहीं। इन शॉर्ट ये एक जानवर नहीं बल्कि एक पूर्ण रहस्य है। एक बार को तो ओबाबिनिया बहुत डरावना लगता है लवक्राफ्ट के उपन्यासों के किसी चरित्र की तरह, लेकिन अगर उसके आकार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते, उसके शरीर की लंबाई मात्र 4 से 7 सेंटीमीटर है। हाँ, ऐसा ही अजीब सा कीड़ा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ओबाबिनिया एक दूसरे जीव का करीबी रिश्तेदार है जो अपने आप में इससे कम रहस्यमयी नहीं है, टाटर ग्रेट। उफ, कैसा परिवार है। कैलनकिन, क्या आप कभी गुस्से से भरे शतुरमुर्ख के सामने आना पसंद करेंगे? नहीं ना? तो फिर कैलनकिन नाम के पक्षी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो आकार से ही डरावना है। वो न केवल 3 मीटर तक ऊंचा होता है बल्कि पक्षियों में उसका सर सबसे बड़ा था। एक डरावनी चोंच जो 45 सेंटीमीटर तक लंबी और आगे से मुड़ी हुई होती थी। कैलनकिन अपने इस खतरनाक हथियार को कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल करता था, उड़ने में असमर्थ होने के कारण अपने शक्तिशाली पंजे की गति पर निर्भर हुआ करता था। अपने शिकार को दौड़कर पकड़ता और चोंच से जानलेवा वार करता था। ऐसा जीव द शाइनिंग मूवी में जैक निकल्सन का रोल बखूबी निभा सकता था। सौभाग्य से ये विशालकाय पक्षी 1.5 करोड़ साल पहले अर्जेंटीना में रहते थे और हमारे आने से पहले ही विलुप्त हो चुके थे। वेटोलिकोलिया, ये जीव असली रॉक स्टार की तरह आम जीवों के किसी भी वर्णन में फिट नहीं होते हैं। उन्हें आज की किसी भी प्रजाति के जन्म का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनके रूप को देखकर आप भी इस बात को समझ जाएंगे। इन अद्भुत प्राणियों का नाम वेटोलिकोलिया था, जिसका अर्थ है पुराना निवासी। वेटोलिकोलिया का शरीर छोटा होता है, जिसकी लंबाई सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी, जो 2 भागों में बटी हुई थी। बड़ा सिर कुछ प्रजातियों में ये बैरल जैसा दिखता है, और एक पतली पूंछ जिसमें 7 हिस्से होते थे। उनके शरीर में दोनों तरफ 5-5 अंडाकार या गोल थैलियां हुआ करती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे शायद गिल्स थे। वेटोलिकोलिया का मुंह गोल हुआ करता था, जिसके चारों तरफ दांतों की गोल माला होती थी, और बस इतना ही। कोई आंखें नहीं, कोई पैर नहीं, कोई पंख नहीं। आज पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों के बीच कोई भी पशु उससे बिल्कुल भी नहीं मिलता।
ये जीव क्रैम्ब्रियन काल के दौरान पैदा हुए थे और उसी के साथ गायब हो गए थे और पेलियोंटोलॉजिस्ट को इसके बारे में एक पहेली दे गए थे कि इस जीव को किस श्रेणी में डाला जाए, यूरोकॉर्डेट्स में या फिर आर्थ्रोपॉड्स में। जब तक वैज्ञानिक इस बारे में पता लगाते, प्रोड्यूसर्स को हम ये सलाह देते हैं कि उन्हें अपनी फिल्मों में इन्हें भी कोई रोल देना चाहिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है, एलियंस को एक और नए रूप में दिखा सकते हैं। आर्केलॉन। हमारे पूर्वजों के विचार के अनुसार पृथ्वी चार हाथियों की पीठ पर टिकी हुई है और वे बदले में एक कछुए की पीठ पर, ठीक है? आप जानते हैं, संक्षेप में, भले ही आज हमें ये मजाकिया लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा आज का अगला प्रत्याशी वास्तव में इस तरह की जिम्मेदार भूमिका निभा सकता था। तो मिलिए विशालकाय आर्केलॉन से। सबसे बड़ा कछुआ जो कभी पृथ्वी पर रहता था, उसके शरीर की कुल लंबाई लगभग 4.5 मीटर होती थी और वजन 2 टन से अधिक। हाँ, ऐसा कछुआ अपनी पीठ पर किसी बौने हाथी को आसानी से ले जा सकता था। उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में यह जीव क्रिटेशियस काल में रहता था, जब वहाँ समुद्र छलकता था। 5 मीटर तक फैलने वाले उसके विशाल फ्लिपर्स खतरे के समय खोल के नीचे छिप जाते थे। हालांकि ऐसा करना हमेशा उसके काम नहीं आता था। मोसासॉर और शार्क जैसी विशाल प्रजातियां आर्केलॉन्स पर हमला कर सकती थी, लेकिन फिर भी आर्केलॉन एक आसान शिकार नहीं था। इसलिए ये संभव है कि शिकारियों ने या तो गलती से इस पर हमला किया या फिर हमला करने के बाद इसे खाने में असमर्थ होने की वजह से छोड़ देते थे। उम्मीद है कि शायद वो बाद में माफी भी मांगते होंगे। आर्केलॉन ने खुद सभी प्रकार के जेलीफिश, अमोनाइट्स और क्रस्टेशियन को कहते थे। ऐसा भी लगता है कि ये आर्केलॉन बहुत आलसी थे। इन्हें समुद्र तल की मिट्टी में छुपकर गहरी नींद सोना पसंद था। ठीक तो है, उनकी ये इच्छा समझ आती है। हालूसिनेशन। समुद्र तल पर कौन रहता है? एक मिनट, ये स्टिलट्स पर चलता हुआ कीड़ा कौन सा है? लगता है कोई हालूसिनेशन हुआ होगा हमें। ये जानवर इतना अजीब हुआ करता था कि लंबे समय तक वैज्ञानिक ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसका ऊपर का हिस्सा कौन सा था और नीचे का कौन सा, सिर कहाँ था और पूंछ कहाँ थी। वास्तव में वो एक कीड़े की तरह ही दिखता था, पतले पैरों के 10 से ज्यादा जोड़े और पीठ में से निकलते हुए लंबे कांटे। मोटे तौर पर, जैसा कि नाम से ही लगता है, ये एक चलता फिरता हालूसिनेशन था। इसके शरीर का आगे का हिस्सा पतला और लचीला होता था और सिर पर 2 आंखें हुआ करती थी, जो कीड़े की आंखों जितनी भी विकसित नहीं थी। पैरों के पहले 3 जोड़े एक जाल के रूप में होते थे और बाकी के 7 जोड़ों पर चलने के लिए पंजे हुआ करते थे। इन्हीं पंजों की वजह से पैलियोंटोलॉजिस्ट को एक सिर दर्द से छुटकारा मिला, वो ये कि इसे जीवों की कौन सी श्रेणी में गिना जा सकता है। आखिरकार पता चल ही गया कि हालूसिनेशन के सबसे करीबी रिश्तेदार कोस्टा रिका के जंगलों में रहने वाले मखमली कीड़े ओनिकोफोरस हैं। इन दोनों में कठोर छल्ली की कई परतों से मिलकर पंजे बने होते हैं। लगता है मैनिक्योरिस्ट था। इस रिश्ते के साबित होने का मतलब ये है कि सभी आर्थ्रोपॉड के पूर्वजों में से हालूसिनेशन शायद सबसे अच्छा उम्मीदवार था। तब तो इन सभी खौफनाक सेंटीपीड्स, कीड़े और मकड़ियों के लिए हमें उसे धन्यवाद कहना चाहिए। क्वेट्ज़ल्कोआट्लस। क्वेट्ज़ल्कोआट्लस इजिप्ट सभ्यता में पंख वाले सांप और प्रकृति की सेनाओं के शक्तिशाली शासक के रूप में पूजनीय थे। इसी गौरवशाली देवता के सम्मान में सबसे बड़े टेरोसॉर्स को अपना बड़ा भाई मिला था। इसके अलावा क्वेट्ज़ल्कोआट्लस को सबसे बड़ा उड़ने वाला प्राणी माना जाता है जो कभी पृथ्वी पर रहा हो। विभिन्न स्रोतों के अनुसार इसके पंख 10 से 12 मीटर तक खुलते थे। ये हुआ रिकॉर्ड। इसके बावजूद क्वेट्ज़ल्कोआट्लस अपने सेहत का बहुत ख्याल रखते थे और इनका वजन मात्र 250 किलो हुआ करता था, जो ऐसे आयामों के साथ अद्भुत है। अपनी लंबी पतली गर्दन की वजह से ये टेरोसॉर्स जिराफ जैसा दिखता है। जमीन पर वो पक्षियों की तरह 2 पैरों पर नहीं चल पाता था, बल्कि 4 पैरों पर चलने पर मजबूर था। उसकी चोंच बहुत ही भयानक थी, बहुत लंबी और धारदार। इसके आकार और वजन को देखते हुए ये समझ नहीं आता कि ये खाता क्या था।
या तो मछली पकड़ता था या छोटे डायनासोर पर हमला करता था या फिर गिरे हुए खाने पर मुंह नहीं बनाता था। ये बात तो पक्की है, इसे सच्चे मन के साथ स्वर्ग का राजा कहा जा सकता था। एंड्रयू सार्कस, ये क्या, हम तो स्तनधारी जीवों के बारे में तो पूरी तरह से भूल ही गए। अब वक्त है अपनी गलती सुधारने का। इस श्रेणी के विलुप्त हुए पूर्वजों में से सबसे अलग लगने वाला है एंड्रयू सार्कस। ये एक विशाल शिकारी हुआ करता था। शायद उसके सामने तो भालू भी टेडी बियर जैसा लगेगा। विभिन्न अनुमानों के अनुसार उसके शरीर की लंबाई 3.8 से 7.5 मीटर तक हुआ करती थी और वजन 1 टन तक हुआ करता था। उनके पास एक अजीब महाशक्ति थी, उसकी अपने मुंह को खोलने की ऐसी क्षमता कि उसका निचला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े से 90 डिग्री तक खुल सकता था। हैरानी की बात तो ये है, ऐसी प्रभावशाली क्षमताओं के बावजूद एंड्रयू सार्कस के पैरों में खुर हुआ करते थे। असल में तो वो हिप्पो और व्हेल का दूर का रिश्तेदार है। हालांकि एंड्रयू सार्कस के शरीर और आदतों का अनुकरण करना तभी संभव हुआ जब उसकी खोपड़ी पाई गई, और वो भी ये पूरी नहीं, इसलिए इनमें से कुछ अनुमान गलत भी हो सकते हैं। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो ये कुछ सबसे अजीब विलुप्त जानवर थे जो कभी पृथ्वी पर मौजूद थे, लेकिन सभी नहीं। मेरा विश्वास करो, प्रकृति के पास अभी भी पालियोंटोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में खजाने हैं। आज हमने जिन जीवों के बारे में बातें की उनमें से आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद आया, कमेंट्स में अपना उत्तर जरूर लिखें। जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दें।